मंत्री आतिशी ने आज एक महत्वपूर्ण बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा, आज का दिन भारतीय राजनीति के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन के रूप में दर्ज होगा। कभी किसी नेता ने नहीं कहा कि यदि मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट दें, अन्यथा मत दें। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार और बेईमानी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनके इस्तीफा देने का निर्णय दिल्ली वासियों को यह संदेश देने के लिए है कि किसी को यह एहसास ना हो कि वह भ्रष्ट हैं। बीजेपी पिछले 2 वर्षों से अरविंद केजरीवाल को परेशान कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई भी सबूत नहीं जुटा पाए हैं। हमने मांग की है कि जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं ताकि जनता अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी को एक मजबूत जनादेश दे सके। सिर्फ भारत के लोकतंत्र में नहीं, देश के लोकतंत्र में एक ऐतिहासिक दिन के तौर पर दर्ज होगा। भारत की राजनीति में, इस देश की राजनीति में, पूरी दुनिया भर की राजनीति में पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को शक की निगाह से देखा जाता है कि इन्होंने कोई ना कोई भ्रष्टाचार तो जरूर किया होगा। भारत के इतिहास में कोई एक नेता ऐसा नहीं रहा होगा, देश के इतिहास में कोई ऐसा नेता नहीं रहा होगा, दुनिया के इतिहास में कोई ऐसा नेता नहीं रहा होगा जिसने इतनी हिम्मत दिखाई हो और जनता के बीच में जाके कहा हो कि अगर आपको लगता है मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना, अगर आपको लगता है मैं ईमानदार नहीं हूं तो मुझे वोट मत देना। अरविंद केजरीवाल जी की इस घोषणा को समझने के लिए अरविंद केजरीवाल द पर्सन, अरविंद केजरीवाल जो व्यक्ति हैं उनको समझना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने IRS की नौकरी, इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी, जिसको पाने के लिए लोग कुछ भी कर देते हैं, जिसको पाने के बाद 10 पुश्तों लायक पैसा कमा लेते हैं लोग, उस नौकरी को लात मारकर दिल्ली की झुग्गियों में काम किया, ये आदमी है अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी वो आदमी है जिन्होंने जीरो से एक पॉलिटिकल पार्टी को खड़ा किया, भ्रष्टाचार के विरोध में खड़ा किया, और जब एक नई नवेली पार्टी चुनाव जीती और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने मुख्यमंत्री पद से सिर्फ इसलिए इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून नहीं ला पाए जो वादा करके आए थे वो दिल्ली के लोगों का। अगर अरविंद केजरीवाल जी एक चीज है जो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, वो है भ्रष्टाचार, वो है बेईमानी, वो है जनता के पैसे को अपनी जेब में डालना। जब ऐसे व्यक्ति पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो सोचिए उस व्यक्ति पर क्या बीतती है, सोचिए उस व्यक्ति को नींद कैसे आती होगी ये सोचकर कि शायद दिल्ली के वो लोग जिनके लिए मैं दिन रात काम करता हूं, जिनके लिए मैं सुबह से लेकर रात काम करता हूं, स्कूल ठीक करता हूं, अस्पताल ठीक करता हूं, जिनको मैं मुनाफे का बजट देता हूं, जिनको मैं तीर्थ यात्रा करवाता हूं, शायद कोई ऐसे लोग हो जो सोच रहे हो कि अरविंद केजरीवाल बदल गया है, जो सोच रहे हो कि शायद अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार कर लिया है। और आज अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे का फैसला उस दर्द से आया है कि कहीं कोई ऐसा दिल्ली वाला ना हो जो सोच रहा हो कि मैं भ्रष्टाचारी हूं, जो सोच रहा हो कि मैंने जनता का पैसा खाया है। अरविंद केजरीवाल को पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार प्रताड़ित कर रही है, एक के बाद एक केस, एक के बाद एक झूठे आरोप, कभी एक नेता को गिरफ्तार करते हैं, कभी दूसरे नेता को गिरफ्तार करते हैं, कभी एक झूठा आरोप लगा के बदनाम करते हैं, कभी दूसरा झूठा आरोप लगा के बदनाम करते हैं। पिछले 2 साल में हजारों रेड हो गई, पिछले 2 साल में सैकड़ों CBI और ED के अफसर लग गए, लेकिन पिछले 2 साल में वो आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता से भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी बरामद नहीं कर पाए। ये है आम आदमी पार्टी की ईमानदारी, ये है अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी। अब उस ईमानदारी पे ठप्पा सुप्रीम कोर्ट ने भी लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को जमानत दी,
सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और उनकी एजेंसीज के मुंह पे तमाचा मारा और तमाचा मार के कहा कि ये जो एजेंसीज हैं ये एक पिंजरे में बंद तोते की तरह हैं जो सिर्फ अपनी मालिक की आवाज में बोल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा केंद्र सरकार की एजेंसीज को और कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सिर्फ एक दुर्भावना से हुई है, उनको जेल में रखने की दुर्भावना से हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा ये कह के कि केंद्र सरकार की एजेंसीज को स्वतंत्र होना पड़ेगा, उनको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, उनके इन्वेस्टिगेशन को अबव बोर्ड होना पड़ेगा। ये आम आदमी पार्टी नहीं कह रही है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के शब्द काफी नहीं है, उन्होंने अपनी जिंदगी लगाई है दिल्ली के लोगों की सेवा करने के लिए, दिल्ली की जनता की सेवा करने के लिए, और वो तब तक चैन से नहीं बैठ सकते, वो तब तक मुख्यमंत्री नहीं बन सकते जब तक उनको भरोसा ना हो जाए कि दिल्ली की जनता उनकी ईमानदारी पर भरोसा करती है, दिल्ली की जनता उनको ईमानदार मानती है। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी ने यह फैसला किया है कि जब तक दिल्ली की जनता उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं दिखा देती, जबकि जब तक उनकी ईमानदारी पे जनादेश नहीं देती है, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नहीं बैठेंगे। मुझे लगता है कि इस कीचड़ भरी राजनीति में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति आया होगा अरविंद केजरीवाल जी की तरह, जिन्होंने कहा है कि मैं करूंगा ईमानदारी की राजनीति, तुम मुझ पर कितने भी झूठे आरोप लगाओ, तुम मुझे कितना भी कीचड़ उछालो, मैं साफ सुथरी राजनीति करूंगा और खुद साफ सुथरी राजनीति करके मैं देश की राजनीति बदलूंगा। और इसी के साथ हमने मांग करी है कि दिल्ली में जल्द चुनाव करवाए जाएं, नवंबर में महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, उसी के साथ साथ दिल्ली में भी चुनाव करवाए जाएं और इस चुनाव में दिल्ली की जनता अपना जनादेश देगी, अपने बेटे अपने भाई अरविंद केजरीवाल पर जनादेश देगी, उनकी ईमानदारी पे जनादेश देगी, जो उनका अरविंद केजरीवाल जी पर भरोसा है उसका जनादेश देगी। तो हम ये चाहते हैं कि दिल्ली में जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाएं, कि दिल्ली की जनता भी अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी पर अपना जनादेश दे सके।